दोस्तों सुपर फ्लो की अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, जिसमें ये दिखा रहा होगा कि आपको बोल रहा होगा कि मैन्युअली गैस फीस सेलेक्ट करने के लिए, और अगर आप गैस फीस सेलेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर आपने फ्लोकी भी इनू का वीडियो देखा है तो उसके हिसाब से आप गैस फीस सेलेक्ट का मैन्युअली सेट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा होगा। तो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सुपर फ्लोकी बाय नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, जिसे आप आसानी से सुपर फ्लोकी ट्रस्ट वॉलेट से बाय कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुपर फ्लोकी किसी भी ट्रस्टेड एक्सचेंज पे नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। तो सुपर फ्लोकी को ख़रीदने के लिए अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट से ही ख़रीद सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से आप बाय करेंगे, आप बाय करेंगे या ना करेंगे वो आपका डिसीज़न होगा, लेकिन मैं बस आप जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उनके सोल्यूशन के लिए ही ये वीडियो है। दोस्तों प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ हम पूरा स्टेप बाय स्टेप ही आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप सुपर फ्लो की बाय कर पाएंगे, क्योंकि आप ट्रस्ट वॉलेट में बैंक से तो पैसे ऐड नहीं कर पाते हैं, तो किसी न किसी एक्सचेंज से आपको वहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन लेना होगा, स्मार्ट चेन आपको लेना होगा, तो वो हम आपको बाइनेंस एक्सचेंज से लेके दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा बाइंग का प्रोसेस भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको फुल प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों सुपर फ्लो की आप ट्रस्ट वॉलेट में बैंकिंग स्वाइप के थ्रू ही खरीद पाएंगे, क्योंकि किसी एक्सचेंज पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे एक्सचेंज मैंने ढूंढ डाले लेकिन कोई ट्रस्टेड एक्सचेंज पे अभी फ्लोकी इनू देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ से हम बाय करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो डॉलर है वो कम है, हमारे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन में जो डॉलर है वो कम है, तो कम से कम हम $5 के ऊपर, $6 या उससे ऊपर हम स्मार्ट चेन का जो है BNB करते हैं, उसके बाद बाय होगा। तो चलिए यहाँ पे हम BNB रिसीव करेंगे बाइनेंस से, वो बाइनेंस से रिसीव करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आप क्लिक करिएगा। अगर आपका ये स्मार्ट चेन शो नहीं करेगा तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पे स्मार्ट चेन को ऑन कर दीजिएगा तो आपका ये शो करेगा। ध्यान रखिएगा आप BNB का रिसीव वॉलेट मत लीजिएगा, क्योंकि आपको और चार्जेस देने पड़ सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे आप रिसीव पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम चले जाएंगे बाइनेंस अकाउंट में, और आपने वहाँ बाइनेंस अकाउंट पे BNB खरीद के रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास BNB है। सिंपल सा हम यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास $18 का BNB है, तो कुछ BNB हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपल सा यहाँ BNB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, और जो हमने एड्रेस कॉपी किया है सिंपल सा यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और BEP20 यहाँ पे आपको एड्रेस में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे BNB। यहाँ पे हम BNB जो ट्रांसफ़र करेंगे 0.002 BNB यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो चार्ज कटेगा 0.0005 BNB हमारा चार्ज कट जाएगा। सिंपल सा हम यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक कर देंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, और ये हमारा विड्रॉल हो जाए। होने से पहले आपको यहाँ पे एक पेज आएगा जिसमें आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। पहले नंबर वाला सेंड कोड पे क्लिक करिएगा तो आपका मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, और दूसरे सेंड कोड पे क्लिक करिएगा तो आपके ईमेल आईडी पे कोड आएगा। दोनों कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपको ये पेज ब्लैंक दिख रहा होगा, मुझे मालूम है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सक्सेसफुल। व्यू हिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है,
चार से पाँच मिनट टाइम लगता है, उसके बाद ये जो आपने बीएनबी ट्रांसफ़र किया है ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तो कुछ देर हम वेट यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब वहाँ हम ट्रस्ट वॉलेट में चल के देखेंगे और यहाँ से हम बैक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं $3.72 है, $3.72 है। एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, हाँ ये $13 का हो चुका है यहाँ पे हमारे पास। तो अब यहाँ से हम अब बाई कर पाएंगे। चलिए दोस्तों फाइनली हम सुपर फ्लॉकी बाय करेंगे और इसे बाय करने के लिए सिंपल सा हम डी ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा पैंकिंग स्वाइप का। तब जब पहली बार आप पैंकिंग स्वाइप ओपन करेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं होगा और ये जो स्मार्ट चेन है वो आपका इथेरियम होगा। तो चलिए मैं दोनों वैसा कर देता हूँ जैसा पहले होता है। तो मैंने वॉलेट डिसकनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे बाइनेंस यहाँ पे स्मार्ट चेन था तो मैंने उसे इथेरियम कर दिया है। तो हम इसे इथेरियम पे क्लिक करके हम बाइनेंस चेन पे क्लिक कर और कनेक्ट वॉलेट पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। बीच में पहली बार जब आप करेंगे तो बीच में एक ऑप्शन आएगा जिसमें नीचे कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कैसे आपको बाय करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका BNB सेलेक्ट होना चाहिए। तो आपके जो स्मार्ट चेन में जो पैसा जो स्मार्ट चेन में BNB होगा वही शो करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास सिर्फ BNB होगा तो शो नहीं करेगा, आपके पास स्मार्ट चेन BNB होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंसी पे क्लिक करके यहाँ पे सुपर फ्लॉकी सर्च कर लेंगे। सुपर फ्लॉकी देखिए यहाँ पे सर्च करने पे नहीं आ रहा है, हो सकता हो कि आपका भी सर्च करने पे नहीं आए। तो अब हमें क्या करना है, उसे सर्च करने के लिए अब हमें चलना है क्वाइन मार्केट कैप में। तो यहाँ पे हम क्वाइन मार्केट कैप में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे सुपर फ्लॉकी SUPER सुपर FLO सुपर फ्लॉकी लिखेंगे तो यहाँ पे सुपर फ्लॉकी आपके पास आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा BEP20 का, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन इसका सुपर फ्लॉकी का एड्रेस मिल जाएगा। इस कॉपी पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आप चलेंगे वहीं पे और यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर देंगे, उसे पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे एस फ्लॉकी के नाम से यह आपको शो करेगा और एक बार सर्च पे भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप पूछेगा, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे एस फ्लॉकी सुपर फ्लॉकी यहाँ पे आ जाएगा, SLOKI दिखाएगा, ये सुपर फ्लॉकी ही है। अब यहाँ पे हम चाहें तो जितना हमारे पास है वो पूरा सिलेक्ट कर देंगे, तो कितना मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है तो थोड़ा हम यहाँ पे कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 0.005 BNB का यहाँ पे हम बाय करेंगे और सिंपल सा यहाँ पे हम अब क्लिक कर देंगे, स्वाइप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम स्वाइप पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद कंफर्म स्वाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं गैस फीस लिमिट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है मैन्युअली,
इस तरीके से मैन्युअली सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम डिसमिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गैस फीस आप लिखेंगे। देखिए फ्लॉकिनो का वीडियो देखा होगा आपने, तो वहाँ पे 90.0 वहाँ पे हमने 9% किया था तो भी बाय हो गया था। इसमें देखिए 9% पे बाय होता है कि नहीं, यहाँ पे 9% हमने कर दिया। स्वाइप पे क्लिक करते हैं और फिर कंफर्म स्वाइप पे देख सकते हैं 9 पे भी नहीं हुआ। चलिए अब हम इसे 12 पे सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम 12 कर देते हैं, देखते हैं बाई होता है कि नहीं। और फिर से हम ट्राई करते हैं, स्वाइप पे क्लिक करेंगे फिर कंफर्म स्वाइप पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये 12 पे भी नहीं हो रहा है। तो हम डायरेक्ट 15, आप 15 सेट करेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लिप पेज टॉलरेंस पे आप यहाँ पे 12 की जगह आप 15 कर दीजिएगा, देखिए ये आपका बाय हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आप स्वाइप पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका बाय हो जाएगा। कंफर्म स्वाइप, देख सकते हैं ये बाय हो जाएगा। देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल, यहाँ पे आपका $1 नेटवर्क फी कटेगा और ये आपका यहाँ पे बाइंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ $2.41 का यहाँ पे बाइंग हो रही है और नेटवर्क फी जो कट रही है वो $1 की कट रही है, ये आपके स्मार्ट चेन से कटता है फी। चलिए अप्रूव पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा सक्सेसफुल बाइंग कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सबमिटेड व्यू ऑन BSC स्कैन, ये हमारा बाइंग कंप्लीट हो गया। क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे एस फ्लॉकी इतना हमें यहाँ पे मिल चुका है। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, बैक करेंगे और वॉलेट पे क्लिक करेंगे, नीचे वॉलेट का ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एस सुपर फ्लॉकी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, वो कैसे शो करेगा? उसे शो करने के लिए आपको करना ये होगा, ऊपर जो दो लाइन दी हुई है जिसमें गोल गोल बना हुआ है इस पे आप सिंपल सा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर देंगे सुपर फ्लॉकी, SUPER सुपर फ्लॉकी, FLOKI सुपर फ्लॉकी, यहाँ पे देख सकते हैं BEP20, इसे ऑन कर देंगे, बैक करेंगे, यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। देख सकते हैं सुपर फ्लॉकी यहाँ पे हमारा शो करने लगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्या प्रॉब्लम थी उसका क्या सॉल्यूशन है आप सभी को क्लियर हो चुका होगा और आप आसानी से सुपर फ्लॉकी बाय कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप सभी को ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से बाइंग करना है, आपको बाइंग करना है कि नहीं करना है वो आपका डिसीज़न होगा, आप बाय करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं वो आप समझिए, लेकिन मेरा काम बस इतना है कि मैं आपको बता दूं जो आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि सुपर फ्लॉकी बाय करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।